ए हेलीकॉप्टर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स रिलीजेज ए पैकेट वैन इट इज एट ए सर्टेन हाइट ऑफ द ग्राउंड। इस तरह की सिचुएशन है, ग्राउंड से किसी हाइट पे एक हेलीकॉप्टर है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इसने एक पैकेट रिलीज किया है। तो आप मुझे ये बताइए इस पैकेट के साथ क्या होगा? ये ऊपर जाता हुआ एक हेलीकॉप्टर, वर्टिकली मूव करता हुआ एक हेलीकॉप्टर एक पैकेट रिलीज करता है, तो ये पैकेट वहीं से नीचे गिर जाएगा कि पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा? ऑब्वियसली जब अगर मान लिया ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है वी नॉट की स्पीड से, तो जब पैकेट रिलीज़ किया जाएगा तो पैकेट की भी इनिशियल स्पीड क्या होगी? वी नॉट। और ग्रेविटी इस पर लगेगी, अब ये हेलीकॉप्टर से अलग हो गया तो ग्रेविटी लगेगी जी डाउनवर्ड्स, और ये पहले ऊपर जाएगा और फिर ये आके ग्राउंड पर नीचे गिरेगा। तो ऐसा वो कह भी रहे हैं, द पैकेट इनिशियली मूव अपवर्ड्स फॉर ए टाइम T1 एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स फॉर ए टाइम T2 अनटिल इट रीचेज द ग्राउंड। तो ये ऊपर जब जाता है हेलीकॉप्टर तो जो टाइम लगा रहा है वो है T1 और ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम T2 है, तो ऑब्वियसली T2 T1 से बड़ा होगा। यहाँ तक उसी लेवल तक वापस आने का टाइम T1 हो जाएगा और एक्स्ट्रा जो नीचे जाएगा वो तो एक्स्ट्रा टाइम हुआ, तो इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। ए पार्ट। बॉल पी इज ड्रॉप्ड वर्टिकली एंड अनदर बॉल क्यू इज थ्रोन हॉरिजेंटली विद सम वेलोसिटी। ठीक है, ये इसलिए काट दिया है विद सम वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम। सिचुएशन समझो क्या है, ये ग्राउंड है और यहाँ से एक बॉल को तो हम ड्रॉप ड्रॉप करने का मतलब ही होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये पी बॉल को तो हमने ड्रॉप कर दिया है और दूसरी सेम हाइट से सेम टाइम पे दूसरी जो बॉल है क्यू उसको कुछ हॉरिजेंटल वेलोसिटी देके छोड़ दिया वी नॉट। तो दोनों में से ग्राउंड पे कौन पहले पहुंचेगा? तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे। क्यों? सुनिए, दोनों को जो अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम के लिए कौन सा मोशन देखते हैं? वर्टिकल मोशन। ठीक है, टाइम के लिए कौन सा मोशन देखते हैं? वर्टिकल मोशन। तो दोनों को जो वर्टिकल हाइट ट्रैवल करनी है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो दोनों को लेना है वो क्या है? सेम। दोनों को जो वर्टिकल हाइट ट्रैवल करनी है वो क्या है? सेम, पहली बात। दूसरी बात, दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की, तो दोनों की ही जीरो है। पी के पास तो कोई वेलोसिटी है नहीं और क्यू के पास जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में तो कोई नहीं, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों को सेम लेना है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो भी सेम है दोनों के लिए जी। ठीक है, सेम टाइम पे छोड़े गए हैं तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो टाइम भी इनको क्या लगेगा? सेम लगेगा। ठीक है, तो ये सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे, बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, सी पार्ट। तो आप ये बात ध्यान रखना कि पार्टिकल को रेस्ट ड्रॉप करो या हॉरिजॉन्टली फेंको, ऑब्वियसली ये नीचे ऐसे जाके गिर जाएगा और ये इस तरह से प्रोजेक्टर मोशन करता हुआ गिरेगा, बट दोनों को जो टाइम लगता है वो सेम लगता है और वो होता है अंडर रूट 2h अपॉन g। दोनों को जो टाइम लगता है वो सेम लगता है और वो होता है अंडर रूट 2h अपॉन g, एकदम आपको याद रखना है। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट h एंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 9h/25 इन द लास्ट सेकेंड। ठीक है, आपने किसी पार्टिकल को h हाइट से गिराया गया, ठीक, इस तरह से h हाइट से गिराया और मान लिया t सेकेंड में ये कवर करता है, तो आखिरी जो सेकेंड होगा जो tth सेकेंड होगा उसमें कितनी हाइट ट्रेवल करिए? तो वो ट्रेवल करिए 9h/25। तो हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये बनेगी h इज इक्वल टू हाफ gt2, क्योंकि आपने उसको रेस्ट से गिराया है तो h हाइट कवर करने में t टाइम लग रहा है, तो h इज इक्वल टू हाफ gt2, एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी nth सेकंड की, तो nth सेकंड में लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? 9h/25 इज इक्वल टू u, तो जीरो है, प्लस a/2 यानी g/2 इंटू 2t-1। ये दो इक्वेशन बनेगी, ये पूरे मोशन की इक्वेशन है और ये है लास्ट सेकंड की इक्वेशन। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं h की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पुट कर रहा हूँ, 9/25 इंटू हाफ gt2 इज इक्वल टू g/2 2t-1। g/2 से ये g/2 कैंसिल आउट हो गया, 9t2 यहाँ रखते हैं हम, बाकी 25t से उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 50t-25। सब कुछ इधर ले आते हैं तो 9t²-50t+25 इज इक्वल टू जीरो।
अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फैक्टर्स करते हैं इसके, तो 3 × 3 9 हो जाएगा और 5 × 5 25 हो जाएगा। अब आपको 50 क्रिएट करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, 9 5 = 45 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 9t² − 45t − 5t + 25 = 0। तो इसमें से 9t कॉमन आ गया, तो ये आपका बचा t − 5, और इसमें से −5 कॉमन आ गया, तो ये भी बचा आपका t − 5। तो दो आंसर मिल रहे हैं, एक तो टाइम आ रहा है 5 सेकेंड्स और एक टाइम आ रहा है 5/9 सेकेंड। अब 5/9 सेकेंड कैसे हो सकता है, ये तो ऑलरेडी 1 से छोटा है, जबकि वो कह रहे हैं आखिरी सेकेंड में, इसका मतलब मोशन डेफिनेटली 1 सेकेंड से ज़्यादा का मोशन होगा, तो ये आंसर आपका नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, t = 5 सेकेंड। टोटल जो मोशन होगा वो 5 सेकेंड का मोशन होगा। कितनी हाइट से गिराया होगा, तो h ही फाइंड कर सकते हैं, ½gt² जी की वैल्यू अगर हम 10 मान लें तो ये 5² = 25, यानी 125 मीटर से वो उस ऑब्जेक्ट को गिराया गया होगा। तो अपने अपने आखिरी सेकेंड में टोटल मोशन का 9/25 पार्ट कवर करेगा। और अगर हम जी की वैल्यू 9.8 लें तो 125 नहीं आएगा, 122.5 122.5 मीटर जो है वो उसकी हाइट आ जाएगी। 14th, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर कवर्स ए डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड। x जो है वो फर्स्ट सेकंड में और 7x लास्ट में, तो ये तो आपको बहुत आसान हो गया। पहले सेकंड में अगर x है तो दूसरे सेकंड में 3x होगा, तीसरे सेकंड में 5x होगा, चौथे सेकंड में 7x होगा। तो टोटल कितने टाइम का मोशन होगा, ये टोटल 4 सेकंड का मोशन होगा। ठीक, तो योर आंसर विल बी 4 सेकंड। एक्चुअल में पहले सेकंड में कितना ट्रेवल करता है, 5 मीटर, दूसरे में 15 मीटर, तीसरे में 25 मीटर, और चौथे सेकंड में ट्रेवल करता है 35 मीटर, अगर किसी को हम रेस्ट से ग्रह मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो ये पॉइंट्स हमने याद किए हुए हैं। ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 मीटर, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच 2 सेकेंड। हर 2-2 सेकेंड के इंटरवल में आपसे पूछ रहे हैं कि रेशियो क्या होगा, 200 मीटर से गिराया गया और 0 से लेकर 6 सेकंड तक के पूछ रहे हैं। तो इक्वल टाइम इंटरवल का अगर आपसे रेशियो पूछा जाए, इक्वल टाइम में अगर किसी को आपने काफ़ी एच हाइट से गिराया है, तो टी इंटरवल में वो कितना कितना ट्रेवल करेगा, तो उनका जो रेशियो होता है वो 1:3:5 होता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा। इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उनका रेशियो 1:3:5 होता है। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये मान लिया h1, ये मान लिया h2, ये मान लिया h3। h1 जो होगा वो ½gt² हो जाएगा, t टाइम इंटरवल में कितना गिरेगा, ½gt². h2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो h2 हम ऐसा कह रहे हैं कि 2t टाइम में जितना ट्रेवल किया उसमें से t टाइम का माइनस कर रहे हैं, तो 2t टाइम में जो ट्रेवल करेगा वो जाएगा ½g × 2t² माइनस उसमें से पहले t का हमने माइनस कर दिया, ½g × t². तो ये आपका आ जाएगा 4 − 1 = 3, 3 × ½gt². अब आप खुद से देख के बताओ, जो h2 आ रहा है वो h1 का 3 times आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से जब हमको h3 निकालना होगा तो हम टोटल 3t टाइम में जितना चलेगा उसमें से पहले 2t टाइम का माइनस कर देंगे, तो 3t टाइम में कितना चलेगा, तो ½g 3t² मतलब 9t² उसमें से पहले 2t टाइम में कितना चला होगा, तो ½g × 2t² मतलब 4t². अब खुद से सोचो, 9t² − 4t², तो ये 5t² आया कि नहीं आया, तो 5 मैंने बाहर लिख लिया और बाकी ½gt² अंदर लिख दिया। अब खुद से देख के बताओ कि जो तीसरे सेकंड में, तीसरे इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है वो पहले टाइम इंटरवल की 5 गुनी है कि नहीं, 5 times से। ठीक, तो किसी को अगर हम रेस से गिरा रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है, रेस से गिरा रहे हैं और इक्वल टाइम इंटरवल दिया, जरूरी नहीं आप 1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो, 2 सेकंड का हो, 5 सेकंड का हो, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उनका रेशियो 1:3:5:7 इस तरह से आता है। क्लियर?